बीजापुर जिला लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार राजू अलगू की विशाल जन रैली जो श्री सिद्धेश्वर मंदिर से यहां जिला कलेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के पास पहुंची है, तो इसी पूरे रैली में उत्साह और जोश देखने को मिला, जनता का जनसागर देखने को मिला। क्या इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है, इसी पर हम बात करते हैं बीजापुर जिला बीजापुर शहर के कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशरिफ से। आज हमें सिद्धेश्वर गुड़ी से हमारे बीजापुर जिले के कैंडिडेट राजू अलगुर साहब का नामिनेशन के वास्ते हमारे एमबी पाटिल साहब, शिवानंद पाटिल साहब, पूरे हमारे एमएलए, पूरे कार्यकर्ता, पूरे जिला के कार्यकर्ता हमें सब भी मिला को आज नामिनेशन भरे। बहुत से बहुत लोग आए थे, उनका हमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सब भी मिला को ये बार कांग्रेस को वोट दे को, कांग्रेस को चुल्लाना कर को उनके पास हमें कड़कड़ी विनंती करते हैं, क्योंकि तो हमारे 5 गारंटी है, ये गारंटी दें, ये गारंटी से हमारे सरकार भी आती है, हमारे कांग्रेस से कांग्रेस के पूरे कैंडिडेट भी चुनकर। जैसे सर कुमार स्वामी ने कहा है कि आपकी गारंटी योजनाओं से चंद ग्रामीण प्रदेश की महिलाएं रास्ता भटक रही हैं, इसके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? गरीब रहते हैं, देखो आप एक बच्चा ये हमारे गारंटी से नीट पास हुआ, एग्जाम पास हुआ, गरीबों को गरीब रहते हैं क्या, उन्होंने बदलते फिरते हैं क्या? ये हमारे 5 गारंटी हैं, करंट फ्री दिए, बस फ्री दिए, 2000 रुपये दिए, ऐसा गरीब को अनुकूल होता है? गरीब को अनुकूल होने के योजना करना क्या, झूठे वादे करते हैं। बीजेपी केंद्र सरकार में मोदी साहब बोले सरकार 2 करोड़ उद्योग दे तू कह, 15 लाख दे तू कह, क्या भी दे क्या? इस बार भी कई वादे किए हैं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में, उन मैनिफेस्टो और घोषणा पत्रों को आप क्या कहेंगे? झूठा है उनका, झूठे वादे हैं उनके, क्या अच्छे दिन लाए क्या, 15 लाख दिए क्या, क्या भी करें क्या? हमारे 5 गारंटी ऑलरेडी चले हमारे। प्रियंक खड़गे ने कहा कि ये बीजेपी का घोषणा पत्र नहीं है, मोदी जी का फोटो एल्बम है, इस पर आप क्या कहेंगे? झूठा है वो, पूरा झूठ है। तो जैसा कि आपने सुना कि झूठे वादों और सच्ची गारंटियों की इस बार लड़ाई होगी और कांग्रेस की जीत पक्की होगी, कहा अब्दुल हमीद मुशरिफ ने। मैं कैमरामैन सुफियान के साथ आबिद हुसैन शेख, बी न्यूज़ नेशन बीजापुर।